students, today we are going to learn grammar topic and the title of the topic is suffixes. Okay, what is mean by suffixes? Suffixes means a letter or group of letters that you add at the end of a word and that changes the meaning of the word or the way it is used. That is called suffixes. Suffixes yani लेटर शब्द और शब्दों का समूह जो कि आप उस वर्ड के एंड में इस्तेमाल करते हो, उसके अंत भाग में इस्तेमाल करते हो, और जिससे क्या होता है उस वर्ड का सारा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, और जिसे हमने इस्तेमाल किया है जो तरीका जिस तरह से है वो प्रेजेंट हो रहा है उसका तरीका है पूरा चेंज हो जाता है. तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट सफिक्सेस. लेट्स सी इट्स एग्जांपल. So here we are going to learn about ER and OR suffixes. Okay, when you attach it to a word, जब हम ER और OR जो है action word के साथ verb के साथ हम जब connect करते हैं, so it makes a person or device that does something. इसका मतलब क्या होता है कि उस device ने या फिर उस person ने जो है कोई चीज़ को उस चीज़ को कार्य किया है, उसने वो जो है उसने वो एक्शन किया है, वो कार्य किया है, उस चीज़ को बताने के लिए हम यहाँ पे सफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सी इट्स एग्जांपल. कस्टमर अ पर्सन हु कैन टीच, ऐसा इंसान जो कि पढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड टीचर. सेकेंड वन अ मशीन यू मिक्स डर्ट इज अ मिक्सर, ऐसा टूल ऐसा जो मशीन है जो कि हम चीजों को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं मिक्सचर. देन थर्ड वन अ पर्सन हु इन्वेंट्स इज एन इन्वेंटर, ऐसा इंसान जो कि संशोधन करता है डिस्कवर करता है उसे हम कहते हैं इन्वेंटर. देन अ पर्सन हु सिंग्स, ऐसा इंसान जो कि गाता है ना, गाना गाता है तो उसे हम कहते हैं सिंगर. एंड लास्ट वन अ पर्सन हु प्लेस, ऐसा इंसान जो कि खेलता है उसे हम कहते हैं प्लेयर. नाउ सी ER दैट इज मींस अ पर्सन हु, ऐसा जो कि वो इंसान जो इंसान कार्य करता है उसके बारे में कहा गया है. दैट इज व्हाट वी आर एडिंग एट द एंड ऑफ दैट वर्ड. फॉर एग्जांपल राइटर, ओके सो वी विल एड ER एट लास्ट, राइट विल टर्न इनटू राइटर. ओके सो हियर पेंटर, पेंटर है तो उसमें भी ER, वी विल एड ER, तो दैट विल टर्न इनटू पेंट विल टर्न इनटू पेंटर. नाउ सी वी कम टू अबाउट दैट OR सफिक्सेस, व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेटिंग अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, दैट इज सिमिलर टू ER ओनली. ये भी जो है OR जो सफिक्स है उसका भी इस्तेमाल हम किसी चीज या फिर इंसान का जो कार्य है वो कर रहा है, उनकी क्रिया जारी है, उस चीज को रिप्लेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट सफिक्सेस. थैंक यू वेरी मच.